शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो। नमस्ते माँ जी। राज, राज बेटे, कहाँ हो तुम? कहाँ से बोल रहे हो? आप मेरी फिक्र ना करें माँ जी। माँ कहता है और कहता है कि फिक्र ना करूं। तू ठीक तो है ना बेटा? हाँ माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस आपका ख्याल रखना। मैं क्या ख्याल रखूंगी उनका? वो खुद किसी का ख्याल रखने में अपनी पत्नी और बेटी को भुला चुके हैं। नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। वो हम सबको बहुत प्यार करते हैं। मजबूर है वो। बस साहब की जान को खतरा है। क्या कह रहे हो तुम? हाँ माँ जी, एक लंगड़ा आदमी है। लगता है साहब की कोई पुरानी दुश्मनी है उसके साथ। लंगड़ा सा आदमी? कहीं जोरावर तो नहीं? हाँ, शायद वही नाम है, जोरावर। मेरी और साहब की नाराजगी को दुश्मनी समझ बैठा था और मुझे अपने साथ मिलाना चाहता था वो। मेरा यकीन कीजिए, आपने मुझे बेटा कहा है तो मैंने भी उन्हें पिता का दर्जा दिया है। जब तक मेरे शरीर में सांसें हैं, आपके सुहाग पर आंच नहीं आने दूंगा। आप लोगों से दूर जरूर हूं लेकिन अलग नहीं। साहब से कहना होशियार रहे। हेलो, हेलो राज, तुम्हारे बड़प्पन का तो एहसास हो गया मुझे, लेकिन मैं तुमसे शर्मिंदा न रहूं इसलिए आया हूं तुम्हारे पास। बेटे, मैं मानता हूं कि जो कुछ तुम्हारे साथ बीता वो अच्छा नहीं था और जो तुम कर रहे हो वो बिल्कुल सही है, लेकिन जो मैं कर रहा हूं वो भी तो गलत नहीं है। मुझ बदनसीब की तो दोनों तरफ से हार ही है। भूल जाओ जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ। जख्मों को कुरेदोगे तो खून बहेगा, तकलीफ होगी, और भगवान जानता है तुम्हारी तकलीफ मेरी तकलीफ है। बेटे, मत बढ़ो उस रास्ते पर जहां सिवाय बर्बादी के और कुछ नहीं है। रोक लो अपने कदमों को, बदल दो अपने इरादे। बस यही दरख्वास्त करने आया था तुमसे। आपके जज्बात की बहुत कदर करता हूं मैं। सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? इस सवाल का जवाब मेरे पास होता तो मैं तुम्हारे पास क्यों आता? कहां जा रहे हो तुम? बाहर जा रहा हूं। ये जानते हुए भी कि इस चौखट के बाहर तुम्हारी जान को खतरा है? क्या खतरा इस चौखट के अंदर नहीं? क्या मतलब? जी, ये दीवारें इतनी ऊंची तो नहीं कि मौत भी अंदर ना सके, और मैं भी उतना कायर नहीं कि उसके डर से इस चार दीवारी में कैदी बनकर रह जाऊं। दम घुटने लगा है, थक चुका हूं एक जैसे चेहरे देखकर। मुझे डर, बेबसी और मोहताजी नहीं, मुझे जिंदगी में रंगीनी और आजादी चाहिए। ये सारे हक तो तुमने उसी दिन खो दिए थे जिस दिन तुम्हारी वजह से एक मासूम लड़की की जान गई। और रही कैद की बात,
कैद तुम नहीं हो निहाल, कैद तो मैं हूं अपने वचन में। इसीलिए गुनहगार की हिफाजत कर रहा हूं, क्योंकि वो गुनहगार बाबा ठाकुर का पोता है। तो आज ये गलतफहमी भी दूर हो जाए, हम दोनों एक दूसरे के निशाने पर हैं। अब गोली चाहे निहाल की चले या राज की, आपके हिस्से में लाश जरूर आएगी। जब दिमाग में गुस्सा हो और आंखों में नफरत, तो निशाना ठीक नहीं लगता निहाल बाबू। मेरा नाम कैसे जानते हो तुम? नाम? अरे जोरावर तुम्हारे बारे में जितना जानता है, उतना तुम खुद भी अपने बारे में नहीं जानते। इसमें जहर नहीं है लाले, तुम्हारी जान खतरे में है दोस्त। दोस्त कहते हो तो खुलकर सामने आओ, ये पहले आ मत पूछा। सीधी सी बात है लाले, बलराज दत्त कभी नहीं चाहेगा कि बाबा ठाकुर की करोड़ों की जायदाद उसके हाथों से निकल जाए। इसलिए तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए उसने ऐसा आदमी चुना है जो पहले से ही तुम्हारी जान का दुश्मन है, और उस पर तुर्रा ये कि वो उसे अपना दामाद बनाना चाहता है। यहां राज के हाथों तुम मरे और वहां राज के सर पर शादी का सहरा, करोड़ों की जायदाद मिलकर लूटेंगे साले दामाद और ससुर। अगर जोरावर की बात पर भरोसा नहीं है तो जा, जा लाले जा, और बलराज दत्त से वो चीज मांग जो बाबा ठाकुर की जमीन से ज्यादा कीमती है। जा। ये आदमी क्यों लगा रखे हैं मेरे पीछे? तुम्हारी हिफाजत के लिए। अच्छा, किससे खतरा है मुझे? उस दुश्मन से जो घर के बाहर है, या उससे जो घर के अंदर है? तुम इस वक्त होश में नहीं हो। होश तो आज आया है बलराज साहब, होश तो आज आया है। आज पता चला है मेरी हिफाजत के दावे करना आपका सिर्फ दिखावा है, नाटक है। मेरे पीछे लगाए गए आपके लोग दरअसल मुझे बचाने के लिए नहीं, राज की हिफाजत के लिए हैं, ताकि वो मेरी गोली का शिकार न बने। कसूर तुम्हारा नहीं, शराब का है, इसीलिए अपने और पराए का फर्क भूल गए हो। अपना? कौन अपना? ये दुनिया है बलराज साहब, या हर आदमी अपनी वफादारी और मेहनत की कीमत चाहता है। अगर आप मुझे अपना समझते ना, तो उस रात उस हरामजादे की जान ना बचाते जो मेरे निशाने पर था, मर जाने दिया होता उसे। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो आपकी बेटी का आशिक है, आपका होने वाला दामाद। हाँ, ये सच है कि राज मेरी बेटी से प्यार करता है, ये सच है कि मैं उसे बचाना चाहता हूं, और यह भी सच है कि तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए मैं किसी की जान ले भी सकता हूं और अपनी जान दे भी सकता हूं। दे दो अपनी जान, दे दो अपनी जान, दे दो अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथों में। निहाल, 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 निहाल।
खबरदार जो अपनी गंदी जुबान से मेरी बेटी का नाम लिया। मैंने बाबा ठाकुर को तुम्हारी जिंदगी बचाने का वचन दिया था, तुम जैसे दरिंदे के हाथ में अपनी बेटी का हाथ देने का नहीं। बस बता दिया ना अपना रंग, दिखा दी ना अपनी जात, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते मिस्टर बलराज दत्त, क्योंकि मैं ही तुम्हारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हूं। मुझे मारकर इस सारी जायदाद के वारिस बनना चाहते हो तुम? क्या कहा? मैं तुझे मार डालना चाहता हूं? सुन रहे हो ना बाबा, क्या कह रहा है ये कि मैं इसे मारकर इसकी सारी जायदाद हड़प कर लेना चाहता हूं? बाबा, अगर मुझे यही लालच होता तो उसी दिन मैंने इसका गला घोट दिया होता जिस दिन आपने इसे मेरे हवाले किया था। भगवान जानता है बाबा कि मैंने अपना वचन अपनी जिम्मेदारी निभाने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी है, फिर भी इसने मुझे बसात कहा, गद्दार कहा, जलील किया है मुझे। अरे इस बेजान तस्वीर के सामने क्या गिड़गिड़ा रहे हो? इन रगों में अगर बाबा का खून नहीं होता तो अब तक इस हाथ को कांधे से उखाड़ कर फेंक देता, इससे पहले कि मेरी मर्यादा टूट जाए। चला जा यहां से। निहाल, सॉरी सॉरी निहाल। अरे हट, ये हमदर्दी उसके लिए बचा के रखना जिसकी मौत मेरे हाथों लिखी है। हट।